इलाहाबाद में कटरा इलाके के मनमोहन पार्क के पास दिन दहाड़े एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज सुबह जब राजेश श्रीवास्तव कचहरी जा रहे थे तो कुछ बाइक सवारों ने उन पर हमला कर दिया। इलाहाबाद में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को पौश इलाके मनमोहन पार्क के पास एडवोकेट राजेश कुमार श्रीवास्तव की दो बाइक सवारों ने गोली मार दी। गोली लगने के बाद उन्हें स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना से वकीलों में भारी आक्रोश है। सैकड़ों वकीलों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया है और SSP ऑफिस के सामने बस में आग लगा दी है। अस्पताल में हंगामा चल रहा है। उनका कहना है कि इलाहाबाद में अपराध बेकाबू है, अपराधियों में कानून का डर नहीं रहा। दो दिन पहले ही फूलपुर में भाजपा नेता पवन केसरी की हत्या हुई थी। कुछ दिन पहले यूको बैंक में डकैती पड़ी और लुटेरे 17 लॉकर काटकर 10 करोड़ के गहने लूट के ले गए। अभी तक इनमें एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। दो दिन पहले ही नवाबगंज में स्कूल प्रबंधक को सरे बाजार पीट कर मार डाला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।